हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। ये मैं निकल पड़ी हूँ तैयार व्यार होके अपने घर घर दस्तक प्रोग्राम के तहत। ये मेरे मोहल्ले गली का थोड़ा सा व्यू है और ये देखिए सामने यहीं पे काली माँ स्थापित होंगी। और यहाँ आके हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने लगे थे, डीजल, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है। आज हम टेम्पू से जा रहे थे तो बस आगे बढ़ गए हम लोग। और ये देखिए कुंडा तरफ का है, ये हवाई अड्डा का बाउंड्री दिख रहा है आपको। मैंने पहले भी इस तरह का व्यू दिखाया आपको। और ये हम पहुँच गए बलिया चौकी। और यहाँ थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, ये पहाड़ी जैसा है। और इसके बगल में ही पोखर बोलिए या झील बोलिए, झील जैसा दिख रहा था। देखिए बहुत अच्छा, पहाड़ी के जस्ट बगल में है और बीच में भी एक पत्थर जैसा रखा हुआ। जहाँ हमें आना था हम आ गए। और ये है मीनार, यहाँ का मीनार है इन लोगों का। और ये है पंचायत झारखंडी और ये खगड़ा गांव है। ये बहुत बड़ा गांव है इसलिए यहाँ पे 4 ग्रुप को बैठाया गया था टीकाकरण करने के लिए। और ये देखिए बत्तख बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके गर्दन पे मोर के जैसा था इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और मुझे यहाँ पे डीलर साहब के घर के सामने बिठा दिया गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी में और चार मीनार के पास और उधर आगे स्कूल में एक एक बैठे हुए हैं ग्रुप इंजेक्शन देने के लिए। तो यहाँ बीच में मुझे बिठाया गया है। और ये ऑपरेशन करवा के आए थे, फिर भी इन्होंने इंजेक्शन ले लिया। और मैं सबको मना करती हूँ बार बार, फिर भी सब रगड़ने लगते हैं इंजेक्शन लेने के बाद, रगड़ना नहीं होता है। और यहाँ पे किसी ने इंजेक्शन नहीं लिया हुआ था पहले से, लगभग मतलब कि 1200-1300 यहाँ की आबादी है, लेकिन यहाँ पे मात्र 50-60 आदमी ही इंजेक्शन लिए हुए थे। और बार बार यहाँ पे डीलर साहब के MO या कोई थे बड़े पदाधिकारी, उनके आके बोल रहे थे, यहाँ विजिट कर रहे थे वो। और वो बोल रहे थे कि जो इंजेक्शन नहीं लेगा उसे कोई राशन पानी वगैरह नहीं दिया जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे, वरना कोई यहाँ पे वैक्सीन लेना नहीं चाहता था। हर व्यक्ति अपना एक कागज़ पुर्जा लेके आता है कि मुझे ये बीमारी हो गया है और मुझे अब वैक्सीन दोगे क्या। ये लोग मुझे सिर्फ डराने के लिए आ जाते हैं, पर मैंने उसका कागज़ पुर्जा नहीं देखा। और मैं बोल चुकी कि हाँ सबको पड़ेगा, क्योंकि सर बोले हुए हैं कि सबको पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैक्सीन है, ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, ये शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और देखिए ये लड़की कितना डर रही है, इसको बहुत समझाया जा रहा है फिर भी ये डर रही है, और कैसे ये भाग रही है। और हम लोगों ने इसे बहुत ये कोशिश करके इंजेक्शन दिया था। यहाँ नहीं पड़ता है कुर्तवा खोलवे घर आ गंजा पर कुर्तवा खोलवे मुजु नहीं नहीं नस वो तो मोटर पे कर लो रहने दीजिए रहने तो हम पूरा चरा दे दे तो है तो कनिया ने को सुनन कल को इसको दो ठो दीजिए तो यहां दाब के रखेगा थोड़ा सा। ये सुबह क्या बोला, अरे हम मर जाएंगे तो 1,00,000 रुपया आएगा कि नहीं, दूसरा शादी करेगा मुखिया। और ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे और पूछ पूछ के आ रहे थे कि मेरी उम्र 60 हो गई है। मैं बोली कि हाँ आपको भी पड़ जाएगा, तब इन्होंने इंजेक्शन ले लिया है। और फिर ये लेडीज आई और ये देखिए इन्होंने कितना ये टाइट कपड़ा पहना हुआ है, तो
वो बोल रही हैं ऊपर से ही दे दीजिए, पर हम लोग बोल रहे हैं नहीं, ऊपर से नहीं पड़ेगा, नहीं तो सारी गंदगी आपके बॉडी में चली जाएगी। और सभी एक एक करके यहाँ पे आके वैक्सीन लिए जा रहे हैं। कोई धान काटने चली गई है, कोई काम पे चली गई है, तो बीच बीच में आके ये वैक्सीन ले रहे हैं। यहाँ ले लीजिएगा आधार कार्ड आप लोग, लिखवा के जाइएगा, दवा ले लीजिए, ले लेना है ना, उसका नंबर का घर के ना, वहीं निकलवा के, ये क्यों नंबर पर दो तीन टाइप का चार के नंबर पर, चार को अच्छा ले जाओ, बोला नहीं नहीं पटाखा मोबाइल ए मंसूरला छोड़ छोड़ आधार कार्ड कहां छोड़ छोड़ नहीं आज बनाना चाहिए है, हमें अपन फोन से बना लेते हैं बढ़िया और सब एक एक करके आके यहाँ पे ले रहे हैं। और ये मैं वीडियो बना रही थी इसलिए भी यहाँ पे सब सोच रहे थे कि वो सब यूट्यूब पे आ जाएंगे कोई कोई, और उनका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो इंजेक्शन लिए हैं, और सब कोई जान जाएगा कि हाँ वो सुई लिए हुए हैं। और ये देखिए ये काम करते करते अपना काम छोड़ के आए हैं वैक्सीन लेने के लिए। अच्छा क्यों नहीं लीजिएगा, ये बताइए रीजन बताइए, बुखार नहीं नहीं अच्छा बुखार नहीं आता है, ऐसे कभी खांसी बुखार नहीं होता है जरूर, तो ये लीजिएगा तो नहीं आएगा जल्दी, नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभार नहीं आएगा तो उतना ले लिए। और यही बच्चा मेरी वीडियो को बना रहा था, और जितने भी आ रहे थे इंजेक्शन लेने के लिए सबका उसने एक एक करके रिकॉर्ड किया। एक आधा आदमी का ही छूटा था क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था और डिस्चार्ज हो गया था। और ज्यों ज्यों शाम होते जा रही थी त्यों त्यों एक एक करके और ज़्यादा आते जा रहे थे, और बाद में मैं खोज रही थी पर कोई मिल नहीं रहा था। और जब मेरा भाइल ख़त्म हो गया तो दो चार आदमी आके खड़े हो गए, ये मुझे दीजिए, पर एक भाइल में 10 डोज रहता है, और एक आदमी के लिए भाइल अगर खोल दिया जाता है तो 9 डोज बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 10 आदमी को इकट्ठा कीजिए तो फिर मैं वैक्सीन खोल के दे दूंगी, पर वैसा नहीं था, मात्र 2-3 ही व्यक्ति आए हुए थे लास्ट में, और किसी किसी को तो पता ही नहीं था कि वहाँ आज वैक्सीनेशन होने वाला है, इसलिए जब पता चला तो वो जल्दी जल्दी आके वहाँ वैक्सीन लेने के लिए आए और उन्होंने लिया। और फिर बाद में 1-2 आदमी और आए, पर 1-2 में तो हम वैक्सीन का वाइल नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ 10 रहता है, वो और बर्बाद हो जाएगा। तो बस यही था, और यही लड़के ने मेरे वीडियो को रिकॉर्ड किया था, बस उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ी थी। और ये देखिए मस्जिद है कितना सुंदर कलर किया हुआ है, और फिर से वही बलिया चौकी का ये पोखर या झील जो बोल लीजिए बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्ड किया इसे। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर मिलती हूँ अच्छे से एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।